हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है गेम गुरुजी पर। मेरा नाम है राजवीर राज पुरोहित और आज हम खेलने वाले हैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का एक और नया मोड। सो ये ब्रांड न्यू मोड है जेड बस 3 SHT वर्जन 3। सो ये वर्जन 3 मोड है SHD जेड बस 3 का और आज हम इसी मोड पर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस मोड का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कि कैसा रहा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन बहुत ही क्लासिक लुक में दी गई है। साथ ही साथ आपको इसमें 5 से 6 लेवरी इसमें भी मिल जाती है, जैसे कल वाली जो बस मोड थी उसकी तरह ही इस बस मोड में भी आपको 5 से 6 जो है लिवरी मिल जाती है, जो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ लिवरी का डिज़ाइन भी बहुत सही है और उसका ग्राफिकली बात करें तो लिवरी भी बहुत सही है। साथ ही साथ इसका जो मोड है वो भी करीब 22 MB का है, जो आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इतना मिलेगा, जो बहुत अच्छा है। अब बात करें इसके ये 3 बटन की, तो वो भी बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम और चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक कंट्रोल में मुझे ये अभी पता नहीं चला है कि ये स्टेबल है या नहीं है, पर यार वैसे थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है कि ये स्टेबल मोड है आशंका। सो यार अब देखते हैं, यहाँ पर हम ये टोल रोड क्रॉस करके ये 3 फीचर कौन से वो देख लेते हैं। ओके हाँ भाई, अबे हर बार यही होता है मेरे साथ सच में। तो कंटिन्यू करते हैं फिर से जर्नी। यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था अभी। अब बात करें इन 3 बटन की, इसके बाद मैंने जैसे बोला, और साथ ही साथ बात करें इस बस मोड के बाकी फीचर की, तो बाकी इंटरनल की इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरह से डिज़ाइन इंटीरियर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पर जो रोकी है भाई साहब, बस उस लाइन में मुझे फटाफट मिल जाता था, निकल सकता था मैं चलना। फटाफट पेमेंट ले। अब बात करते हैं यहाँ पर साइड में रोक कर की क्या कुछ है फीचर्स। डिजाइन में आप देख सकते हैं बहुत सही है। तो अब बात करें बाहरी लुक की, तो आप देख सकते हैं बाहर से ये बस मोड बहुत ही सही है। और फीचर की बात करें तो ये जो है, अबे हाँ भाई हम पहले इससे जाने देते हैं, क्या करें अब, बहुत लंबा ट्रैफिक लगा चुका है। ठीक है, हम साइड में यहाँ पर खड़े रख देते हैं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। अब बात करें फर्स्ट की, तो जैसे फर्स्ट एनिमेशन की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एनिमेशन की जो है यहाँ पर आपका जो लगेज जो होता है वो खुल जाता है। सेकंड में यहाँ पर आपको ये जो फीचर है बहुत सही है, और साथ ही साथ थर्ड में आपका जो होता है, तो तीनों फीचर उसी की तरह है आपको मिलेंगे। तो अब हम रफ्तार पकड़ने वाले हैं इस टोल रोड पर। वैसे ये साइलेंट किलर है, मतलब बहुत साइलेंट है, आवाज़ इतनी ज़्यादा है नहीं इस बस में। ये इंटीरियर वाला मुझे जो है कुछ राज नहीं आ रहा कैमरा। भाई साइड दे दे, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा।
ये होना वाजिब था। ये जो है, ये जो ब्लैक पट्टी आप देख रहे हैं यार, ये वर्क करती है एज ए थर्ड लेन, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव। अगर आप सीधा घुसाने की कोशिश करेंगे तो बहुत कठिन होगा आपके लिए इसको, मतलब यार इस पर पहुंचना, इस लेन पर, जैसे कि अब हम करने वाले हैं। वैसे मुझे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए वरना ये लोग और दबा देंगे गाड़ी। ए भाई 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 भाई, अब देखते हैं। एक सौ पचास पर पहुंच गई, ये सच में इम्प्रेसिंग है। और कंट्रोल भी अच्छा था, जो मैंने गड़बड़ की वो आप नहीं करेंगे तो कंट्रोल सही रहेगा। मैंने बहुत गड़बड़ की सच में बताऊँ तो। और लेट्स सी अभी क्या करते हैं, टर्निंग पर बहुत हार्ड है। एक चीज़ आप याद रखें तो सही है कि टर्निंग पर हमेशा आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी अगर आप 150 की स्पीड में टर्निंग पर पहुँचेंगे और सामने आपके दो लेन पर ऑलरेडी जो है बसेस या कार चल रही होगी, तो इट्स वेरी हार्ड टू टेक ओवरटेक। अब देखो हम 130 तक पहुँच चुके हैं। गलत लेन पर ले लिया मैंने, पर ठीक है हमने कर दिया भाई। निकल लैग पूरी तरह से हैंग हो रहा है फोन, बुरा हैंग होने लगा है जब से जो है वर्जन 3.2 आया, तब से यार फ़ोन पूरी तरह से, जब बस सिमुलेटर आईडी वीडियो बनाने बैठो तो गेम बहुत गंदा लैग होता है, जो सच में एक गंदी बात है। ये तो ठुकना बहुत गंदी ठुक जाती है यार, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम में बाद में तो मुझे यही लगाना पड़ता है, अदरवाइज आप नहीं रोक सकते यार 150 की स्पीड में। अगर आप सिर्फ ब्रेक का यूज़ करें, आप हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो यार डेफिनेटली आपकी गाड़ी ठुकेगी, क्योंकि कंट्रोल में नहीं रहती 150 के पार। आप देखिए यहाँ पर आप स्पीड पूरी तरह से हैंग। मैं सोच रहा हूँ इस ट्रक के पीछे जाना, पक्का ठुकेगी। चल भाई जल्दी, कोई बात नहीं हम भी निकाल दे रहे भाई हम। हर बार मेरे साथ तो यही होता है और ये बचपन से होता है, बदनसीबी मेरे मुंह पे लिखी हुई है। सो यार बस आज के लिए इतना ही, यही चीज़ें होती रहती है टोल रोड पर मेरे साथ हरदम। ओके अब निकलने की कोशिश करते हैं और इसके बाद वीडियो का अंत करते हैं। सो आपने देखा मेरी बदनसीबी, साथ ही साथ ये मोड जेड बस 3 SHD वर्जन 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस नए मोड को। और हाँ यार एक चीज़ और बताना भूल गया, मेक श्योर कि आप कमेंट कीजिए कि कैसा लगा और क्या कुछ पार्ट आपको अच्छे लगे, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि क्या कुछ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।